أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم। अभी सुन रहा था मैं अमेरिकन थिंक टैंक्स वेरी इंटेलिजेंस रिस्पॉन्सिबल, तो मैं थोड़ी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपसे। जब भी कोई इंटेलिजेंस लीडर या अच्छा लीडर जब सियासत में आता है तो वो एक उसके एक ख्यालात होते हैं, उसके एक मिशन होता है, उसका एक रास्ता होता है, एजेंडा होता है। वो कैसे बनता है या कैसे बनाया जाता है सिचुएशन को देखकर। मसलन मेरे पास इनके इमरजेंसी ज़खीरा कितना है, हाउ मच वी स्टोर ओवर फूड एंड एनर्जी रिसोर्सेस एंड हेल्थ। जब मैं देखता हूँ बिल्कुल नहीं है, खाली है, उल्टा कर्जा है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, तो उसके रीज़न ढूँढूँगा। इसकी रीज़न क्या है, उन रीज़न पे मैं एक पॉलिसी लेके आऊँगा। मसलन सबसे पहले तो हमें दूसरों का ख्याल छोड़कर अपना ख्याल करना चाहिए। अगर दुनिया में हमारी इज्जत है या लोग सुनते हैं, इसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि नाम है अभी तक और लोग चाहते हैं आप लोगों को सुनना। लेकिन उसके लिए आप जो फोकस कर रहे हैं वो गलत जगह पे कर रहे हैं। या अगर लीडर जो आपको सबल बाग दिखा रहे हैं, ग्रेटनेस, कुछ नहीं हुआ, हम दुनिया के रूलर हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, उधार पकड़ के भी, जलाओ मार गड़ा के भी, तो वो तो आपको फिर ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगाया, ये समझ लें। तो जो अक्लमंद होगा वो देखेगा सबसे पहले कमज़ोरियाँ कहाँ हैं मेरे, मैं पहले अपने जो है, अब मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, पैसा मेरे पास नहीं है, हाउ टू डिफेंस, तो सबसे पहले वो अपने नेबर को स्ट्रॉन्ग करेगा, इनके हालात, उनके साथ अपने तल्लक बेहतर करेगा और वो जगह पे पूरी दस्तक रखेगा ताकि कल को कोई उसका कोई कंपटीशन करने वाला है या दुश्मन यहाँ आके दरवाजे के ऊपर चैलेंज ना कर दें। ठीक है, नंबर एक ये। नंबर दो, एजुकेशन एंड द बिजनेस, इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए बनिस्बत आउटडोर या ओवरसीज़, जिसके पीछे मीन के उनके मामलात में पैसा अपना ज़ाया कर रहे हैं, वो फिर भी वैसे के वैसे हैं। बाद लोग तो आप लोगों को इस्तेमाल करके चले जाते हैं, उनका काम बन गया आप लोगों को इस्तेमाल करना, क्यों आदत पड़ गई, खुश हो जाते हैं, ये अवाम भी खुश हो गई, ये अचीवमेंट हो गया, वो अचीवमेंट हुआ, कुछ भी नहीं होता। कौम के ऊपर, नेशन के ऊपर 8 ट्रिलियन और चढ़ गया, क्या जी तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं था। ये मैं जब मलेशिया से आ रहा था ना, उससे कुछ थोड़ी देर पहले ये हालात आ चुके थे उस वक्त, तो वर्ल्ड बैंक ने और इंटरनेशनल बैंकों ने दिए, हालांकि मुश्किल हो जाता है इतनी बड़ी रकम, और वो भी खूह खाते में डालने के लिए लड़ाई झगड़े में, फिर भी उनका हौसला है, वो आप लोगों को मरने नहीं देते, गिरने नहीं देते। ठीक है, जिन्होंने डेवलप किया होता है फिर उनको एहसास भी होता है। तो बिज़नेस पे करेंगे तवज्जो, वो उसके बाद वो देखेंगे कि अब हमारे पास कोई पैसा आ गया है, हमारी आवाम को सहूलतें मिल गई हैं, कोई ख़ुदकशी तो नहीं कर रहा हालात से तंग होके, कोई फैमिलीज तो नहीं ब्रोकन हो रही हालात से तंग होके, बच्चे तो नहीं यतीम हो रहे हालात से तंग होके। जब मेक श्योर हो जाए, नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल टू माई नेबर, डील विद दैट द सेम एटीट्यूड, एजुकेटेड एटीट्यूड, दिस इज एज ए। और जो एक जनरल होता है,
जब वो देखता है पार्टियां कौन सी हैं, कौन है जो मेरे बच्चों को बचाएगा, किसकी पॉलिसी है जो मेरे बच्चों को बचाएगी। क्योंकि आर्मी के जो जनरल होते हैं ना, जो छोटे होते हैं ना, उनके बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों की तरह समझे, उसे औलाद हैं उनकी। और ये नहीं है कि सिर्फ अपनी आर्मी औलाद है, दूसरे भी आर्मी वाले हैं वो भी औलाद ही समझें। तो फिर आदमी उस लीडर को लेके आता है जो उसके उसके बच्चे उसके हाथों से न मराए, उसकी इज्जत बाकी रहे। क्योंकि हर बंदा अपनी पावर का एक रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा नाम छोड़ के जाना चाहता है, बुरा नाम छोड़ के जाना चाहता है। मेरे ख्याल में कोई भी बुरा नाम, कमज़ोर से कमज़ोर भी ये चाहेगा कि मैं इज्जत से चला जाऊँ, लोग मुझे याद करें तो ये कहें यार अच्छा था। कमज़ोर से कमज़ोर की भी ये ख्वाहिश होती है। तो जो पावरफुल हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, उनका भी यही होता है। और ये होना भी चाहिए, एक एज ए मिसाल बन के जाना चाहिए पीछे आने वालों के लिए। आप सदका जारिया बन जाओगे, वो जो आपकी तालीमात के ऊपर, वो जो आपके स्किल के ऊपर, जो बाद में आने वाले चलेंगे, उनका भी आपको रिवार्ड मिल रहे होंगे। और अचानक आप पूछेंगे यार ये इतना रिवार्ड मेरा बढ़ की बड़े ही जा रहा है, रुक क्यों नहीं रहा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जो तुमने इलम फैलाया था या वो जो तुमने फलाई काम किए थे ना, बाद में आने लोग कर रहे हैं, तो उसका हिस्सा तुम्हें मिल रहा है। तो आपकी जो अम्पायर होती है ना, वो एक्सपेंड होती जाएगी। इवन यू कैन नॉट इमेजिन यार, डोंट गो फॉर पैनी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह हाफिज़।